हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास टेंथ के हिस्ट्री का, जो कि सिमोन कमीशन है, उसके बारे में देखेंगे। और सिमोन गो बैक का जो नारा लगा था, वो क्यों लगा था, कैसे लगा था, उसके आगे की बात, उसके पीछे की बात, तो सारा कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? आफ्टर महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। बट यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। तो इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ। क्या हुआ था कि जब अवध, असम और आंध्र प्रदेश के गुदैम हिल्स में जब हो रहा था स्ट्रगल, तो वायलेंट होने लगे थे लोग, वहाँ पर वायलेंस में कन्वर्ट होने लगा था मूवमेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ करना पड़ा। और एक रीज़न था विदड्रॉ करने का, जो था कि कांग्रेस के कुछ लोग चाहते थे कि हम पॉलिटिकली फाइट करें, रिवॉल्यूशन ना करके हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर वो बोले कि उनको चेंज करना चाहिए, अपना रूल्स कुछ कुछ जो है चेंज करना चाहिए, और इंडिया को भी उसमें पार्ट होना चाहिए, इंडिया का भी उसमें रोल होना चाहिए। तो क्या हुआ कि जब विड्रॉ हो गया, तब कांग्रेस के जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो थे, वो लोग क्या किए, एक स्वराज पार्टी बनाए, ठीक है, स्वराज पार्टी बनाए ताकि पॉलिटिकली वो लोग फाइट कर सके, ठीक है। कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने स्वराज पार्टी बनाया, ठीक है। और उसके हेड जो थे, ये स्वराज पार्टी बना था जनवरी 1923 में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी थे प्रेसिडेंट, और सी आर दास जो थे वो सेक्रेटरी थे। तो ये स्वराज पार्टी बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो यंग लीडर्स थे कांग्रेस के, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो लोग का क्या सोचना था कि अगर हम लोग को ऑल फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हमको मास एजिटेशन करना ज़रूरी है, मतलब कि फोर्स लगा के ही हम लोग जीत पाएंगे, पॉलिटिकली फाइट करके सिर्फ नहीं जीत पाएंगे, हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंस्टिट्यूटेड अ स्टैचुटरी कमीशन अंडर सर जॉन सिमोन सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। The commission was to look into the functioning of the constitution system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member. They were all British. तो जो न्यू गवर्नमेंट थी, टॉरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, वो लोग ने एक कमीशन बनाया। स्टैचुटरी कमीशन का मतलब होता है कि ऐसा कमीशन जो दूसरे जगह में जाके रूल करे अकॉर्डिंग टू जहाँ पर वो बना है, उस कंट्री के हिसाब से, किसी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ब्रिटेन में एक स्टैचुटरी कमीशन बनाकर, यानी कि एक कमीशन बनाकर वो लोग भेज दिए कि तुम जाओ और वहाँ जाके जो इंडिया में पार्लियामेंट है उसको संभालो, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको संभालो, उसमें कुछ कुछ चेंजेस करो। तो जो कमीशन बना था, उसके हेड जो थे वो सर जॉन सिमोन थे, ठीक है। तो उनको भेजा गया इंडिया कि तुम जाओ वहाँ, है ना। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसका मतलब कि ये है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हो रहा था इंडिया में, उसके रिस्पॉन्स में ये कमीशन बनाया गया कि उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो द कमीशन वॉज टू लुक, यानी कि देखना है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन को देखना है, ठीक है, और सजेस्ट करना है कुछ कुछ चेंजेस, ये सब उसका काम था वो कमीशन का। द प्रोग्राम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट आर प्रोग्राम नहीं सॉरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये था कि उस जो कमीशन था उसमें सारे ब्रिटिश लोग थे, कोई भी इंडियन मेम्बर्स नहीं था। तो ये बात जो थी इंडियंस को पसंद नहीं आई, यही जो था वो प्रॉब्लम था, ठीक है, सिमोन कमीशन का। क्या लिखा है, व्हेन द सिमोन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, जब 1928 में सिमोन कमीशन आया,
तो ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक सिमोन। तो वहाँ के लोग ने ग्रीट किया, यानी कि उसका स्वागत कैसे किया, क्या बोल के किया, गो बैक सिमोन, ये स्लोगन के साथ उसको ग्रीट किया गया। सब पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस, सारे पार्टी कांग्रेस को इंक्लूड करके और मुस्लिम लीग को इंक्लूड करके जो थे डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किए। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि जो प्रदर्शन हो रहा था गो बैक सिमोन का, उसमें पार्टिसिपेट किए इन एन एफर्ट टू विन डैम ओवर, यानी कि उनको अब उनको जीतने के लिए, ठीक है, ये सब जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था उसके ऊपर अपना उसको हैंडल करने के लिए, उसके ऊपर जीत हासिल करने के लिए। तो जो वाइसरॉय थे उस समय इंडिया के, जो कि थे लॉर्ड इरविन, वो अनाउंस किए इन अक्टूबर 1928। वो क्या किए, चलो ठीक है एक हम लोग वो कर लेते हैं, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो वो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, लॉर्ड इरविन ने अपना दिमाग लगाया और बोला कि चलो ठीक है तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तुम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक उन्होंने एक वेग ऑफ़र दिया, वेग ऑफ़र यानी कि एक अनक्लियर, जो क्लियर नहीं था, ठीक है, ऐसा ऑफ़र दिया कांग्रेस को जो था डोमिनियन स्टेटस का, यानी कि इंडिया को अब डोमिनियन स्टेटस मिल जाता, ये एक स्टेटस होता था उपाधि, ठीक है, जो और भी लोगों को दिया था यूके ने, तो एक डोमिनियन स्टेटस का तुमको स्टेटस मिल जाता, इंडिया को स्टेटस दे रहे थे वो लोग, ठीक है। इसका इसमें क्या होता था कि कुछ रूल जो है वो इंडियन का भी होता, ठीक है, तो और उस फॉर इंडिया एंड इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, यानी कि कोई फ्यूचर नहीं बताया था उसका कि कब तक रहेगा ये स्टेटस, क्या होगा इसके आगे, है ना, कुछ नहीं बताया था। उसके बाद क्या किया, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, ताकि डिस्कस कर सके फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में फ्यूचर में क्या क्या होगा। तो ये लॉर्ड इरविन ने ये उसका वो क्या रिस्पॉन्स किया ऐसे, दिस डिडंट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, इससे कांग्रेस लीडर जो थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है। तो द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो पार्ट कांग्रेस का, वो पार्ट जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, वो और एक्टिव हो गए, असर्टिव, और असर्टिव हो गए, इनके और फोर्सफुल हो गए और एक्टिव हो गए वो लोग, द लिबरल्स एंड मॉडरेट। और जो बाकी लोग थे जो लिबरल्स और मॉडरेट, जो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से जो इनका थिंकिंग था, तो वो लोग क्या किए, हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम चाहते थे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, धीरे धीरे उनका भी प्रभाव जो था वो कम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। फिर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने एक लाहौर में कांग्रेस किया, ठीक है, लाहौर में हुआ था ये, एक रिवर के साइड में, ठीक है, एक वहाँ पर ग्रुप बैठाया, मीटिंग बोल सकते हैं टाइप का, बुलवाया सबको दिसंबर 1929 में, और वहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मलाइज यानी कि उन्होंने एक तय किया, डिसाइड किया एक फॉर्मल वे में कि हमको पूर्ण स्वराज का डिमांड करना है और हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए फॉर इंडिया। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी, वहाँ पर वो डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। व्हेन पीपल वर टू टेक प्लेज, और वहाँ पर लोगों को प्लेज लेना होगा, प्लेज जो बोलते हैं ना, जो ओथ लेते हैं, ठीक है, वो कसम जो खाते हैं एक तरह से कि हमको स्ट्रगल करना है कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड, पीपल वर टू टेक प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन ये वो तो वो प्लेज तो वो डिसाइड कर लिए थे, लेकिन क्या हुआ फिर धीरे धीरे ना इसमें भी अट्रैक्शन नहीं हुआ, सेलिब्रेशन जो करना था 26 जनवरी का उसमें भी ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं हुए, ठीक है, और बहुत अटेंशन नहीं मिला इसको। तो महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि उनको एक ऐसा रास्ता निकालना होगा
आइडिया ऑफ फ्रीडम के लिए कि जो एवरीडे लाइफ के इश्यू से रिलेटेड हो, ठीक है। तो सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इश्यूज फॉर एवरीडे लाइफ। तो जो हर इंसान का प्रॉब्लम हो उससे कुछ रिलेटेड, जो हर दिन एवरीडे के रिलेटेड में कोई प्रॉब्लम हो उससे कोई रिलेटेड उनको ढूंढ के उसके लिए लड़ाई करना चालू करना होगा। तो इस वजह से उन्होंने सॉल्ट को चुना, जो सॉल्ट मार्च हुआ था, क्योंकि सॉल्ट जो था वो डेली नीड में हर एक आदमी के डेली नीड का हिस्सा था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सॉल्ट के हिसाब से अगर स्ट्रगल करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे, तो वो सक्सेसफुल होगा। तो इसके बाद मैं सॉल्ट मार्च के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो फ़ोटोज़ देख लेते हैं कुछ, यहाँ सबके मैंने फ़ोटोज़ दिखाए हैं। तो ये लाहौर कांग्रेस जो था, ये सेशन जो हुआ था लाहौर में, वो है जहाँ पर प्लेज ले रहे हैं। ये वाइसरॉय लॉर्ड इरविन है, जिन्होंने कहा था कि जिन्होंने डोमिनेंट स्टेटस का दिया था इंडिया को। ये सर जॉन सिमोन है, जिसके अंडर में सिमोन कमीशन हुआ था, हेड किया गया था इनके द्वारा। ये गो बैक सिमोन के नारा लगाते हुए लोग ने ग्रीट किया था। ये जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस हैं। और ये फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी, चितरंजन दास यानी कि सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो ये सारे फ़ोटोज़ मैंने दिखा दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सिमोन कमीशन पूरा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।